गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक के तत्व की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको कैसे पढ़ना है चलिए आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे द्वारा बताए जाने वाले एक एक पॉइंट्स को आप अपने कॉपी पर नोट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की डिफिनीसन की। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, मैंने आपके सामने इसकी डिफिनेशन को लिख रखा है। डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश पाता है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश पाता है ऐसे सभी तत्व एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं आप एक एक पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे। तो डिफिनेशन सभी लोगों को क्लियर हो गई, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश पाता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाती हैं। अब दूसरी बात आती है कि एफ ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा होता है, उसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक या दो नंबर में कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, या फिर ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विन्यास एफ ब्लॉक के विन्यास को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह NH2N-1 डी की पावर यानी डी 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन होंगे और N-2 F में 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है F ब्लॉक के तत्वों का। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि जब भी यह प्रश्न बने तब आप लोग इसको आसानी के साथ हल कर लें। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश पाता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2N-1 डी में 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन तक ही होगा, या तो डी में 0 होंगे या डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद N-2 F में 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सामान्य विन्यास सीख गए होंगे, ये रहा एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब बात आती है कि इनको आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थान दिया गया है, एक एक पॉइंट को आप सभी लोग समझिए और फिर अपनी कॉपी पर नोट करिए। तो इनको आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थान दिया गया है चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है कि जो डी ब्लॉक की जो पूरी सारणी है, डी ब्लॉक के बारे में मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे डी ब्लॉक की वीडियोस को नहीं देखा है आप सभी लोग उन वीडियोस को अवश्य देख लें ताकि आपको डी ब्लॉक के तत्वों की कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो सके। मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पॉइंट क्या है आप देखिएगा, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी चार सारणियाँ हैं, चार सीरीज हैं। बड़ा ध्यान से बच्चों समझना तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। एस और पी ब्लॉक के बीच में
डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा गया है, आप सभी लोग जानते हैं। जहां से चतुर्थ आवर्त शुरू होता है, कौन सा आवर्त? चतुर्थ आवर्त, 4, 5, 6 और 7, यहीं से शुरुआत होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, जो एस और पी के बीच में रखे गए हैं। इसमें जो छठा आवर्त आता है, वहां पर एलिमेंट रखा गया है एल ए, जिसको लेंथेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेंथेनम बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे सेवेंथ आवर्त में तत्व रखा गया है एक्टिनम। क्या रखा गया है बच्चों? एक्टिनम रखा गया है। ये जो लेंथेनम आप देख रहे हैं, इसके आगे के जितने भी तत्व हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 57 है, और एक्टिनम जिसको सातवें आवर्त में रखा गया है, इसके जो परमाणु क्रमांक की मैं बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक 89 है। बहुत ध्यान से आप लोग समझना एक एक बात को। तो जो डी ब्लॉक की शुरुआत होती है वो चतुर्थ आवर्त से होती है, उसके बाद पंचम, उसके बाद षष्ठ, उसके बाद सेवेंथ। तो जो छठा आवर्त है उसमें हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट रखा गया है एल ए, जिसको लेंथेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेंथेनम बोलते हैं। परमाणु क्रमांक 57 है, और उसके जस्ट नीचे सातवां आवर्त है जिसमें तत्व रखा गया है एक्टिनम, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 89 है। इसके आगे के जो एलिमेंट्स है, कहाँ तक मैं बता दूँ आपके लिए, इसके आगे के एलिमेंट्स बहुत ध्यान से सुनना, तभी आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्राप्त होगी। उसके आगे के जो एलिमेंट हैं, परमाणु क्रमांक 57 तो यहीं पर रहेगा डी ब्लॉक में, उसके बाद 58 से लेकर के, बच्चों कहाँ से? 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स को एक अलग सारणी बना करके पेरियोडिक टेबल के बाहर स्थान दिया गया। ऐसे यहाँ पर 89 है, 89 के आगे मैं आपके लिए बता दूँ, आपके लिए भी यहाँ पर लिख करके बताता हूँ, 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर स्थान दिया गया। तो लेंथेनम से आगे के 71 तक परमाणु क्रमांक के जो तत्व हैं वो सब लेंथेनम से गुणों में समानता दिखाते थे, इसीलिए इन सभी तत्वों को नाम दिया गया लेंथेनाइड। क्या नाम दिया गया? लेंथेनाइड। तो ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व हैं वो सब लेंथेनम, जो कि डी ब्लॉक में उपस्थित है, इससे गुणों में समानता दिखाते थे, इसीलिए इस लेंथेनम से गुणों में समानता दिखाने के कारण परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व लेंथेनाइड कहलाए। इसी प्रकार से एक्टिनम के आगे 90 से लेकर के 103 तक के तत्व इस एक्टिनम से गुणों में समानता दिखाते थे, इसीलिए 90 से लेकर के 103 तक के तत्व ये एक्टिनाइड कहलाए। अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, तो आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व लेंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, उससे गुणों में समानता दिखाते हैं, इसीलिए लेंथेनम से गुणों में समानता दिखाने के कारण इसको लेंथेनाइड कहते हैं। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व एक्टिनम से समानता दिखाते थे, इसीलिए इसको एक्टिनाइड बोला गया, और दोनों को सम्मिलित रूप से नाम दिया जाता है एफ ब्लॉक के तत्व। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? एफ ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक के तत्वों में कितने श्रेणियां बनाई गई हैं? दो श्रेणियां बनाई गई हैं। एक श्रेणी लेंथेनाइड कहलाती है, जिसमें 58 से लेकर के 71 तक के तत्व हैं। दूसरी श्रेणी एक्टिनाइड कहलाती है, जिसमें 90 से लेकर के 103 तक के तत्व हैं। अब 71 तक के तत्व लेंथेनाइड हो गए, 58 से लेकर के 71 परमाणु क्रमांक तक। उसके बाद जो लेंथेनम के आगे जो परमाणु क्रमांक आता है वो 72 वाले का आता है। क्लियर हो गई बात? इसी प्रकार
एक्टिनाइड 103 तक, 90 से लेकर के 103 तक, तो एक्टिनम के आगे का जो परमाणु क्रमांक होगा 89 के बाद फिर कौन सा होगा, 104 होगा। क्लियर हो गई। बीज के तत्व एफ ब्लॉक की श्रेणी में आ गए, जिनमें 58 से 71 तक लेंथेनाइड कहलाए और 90 से 103 तक एक्टिनाइड कहलाए। क्लियर होगी बात। अगर कोई भी बात रह जाए तो बच्चों तुरंत वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, अदरवाइज मुझे इस कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें ताकि मैं आपके पॉइंट को पढ़ करके आपके आंसर को बता सकूं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक 59 वाला तत्व 89 क्या कहलाता है, किस श्रेणी में रखा गया है, तो 59 वाला जो तत्व है वो लेंथेनाइड कहलाता है। परमाणु क्रमांक 64 वाला तत्व क्या कहलाता है, तो आपको पता है 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व हैं वो लेंथेनाइड कहलाते हैं, यानी 64 वाला तत्व लेंथेनाइड कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 98 ये तत्व क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक जिसका 98 है, तो आप देखेंगे कि 90 से लेकर के 103 तक के तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं, इसीलिए बच्चों 98 वाला तत्व एक्टिनाइड कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे पॉइंट का डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग सेपरेट करके पढ़ते हैं, अलग अलग बात करते हैं। तो सबसे पहले लेंथेनाइड, लेंथेनाइड को मैंने बताया था अभी आपके लिए कि जो लेंथेनम है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 57 है, तो इसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं देखिएगा, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, यानी लेंथेनम के आगे के जितने भी तत्व हैं अर्थात 58 से लेकर के 71 तक कितने तत्व आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, कुल कितने तत्व आए, 14 तत्व आए। तो परिभाषा क्या बनी लेंथेनाइड्स की, कि लेंथेनम के आगे परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के 14 तत्व लेंथेनम से गुणों में समानता दिखाते हैं, और लेंथेनम से गुणों में समानता दिखाए जाने के कारण इनको लेंथेनाइड कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। परमाणु क्रमांक कितना, 58 से 71 तक, कुल तत्व कितने, 14। कौन कौन से तत्व हैं, मैंने आपके सामने सीरीज बना रखी है, ये सारे एलिमेंट्स लेंथेनम के बाद के परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, ये सभी तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं। इन तत्वों को आप याद किस तरीके से रखेंगे, चलिए मैं उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपके लिए बताने वाला हूँ। उस ट्रिक को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, एक साथ अगर आप लोग सारे तत्वों को याद रखना चाहते हैं तो आप उस लाइन को याद करिए, बहुत ही मज़ेदार लाइन है, मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये रही वो लाइन, आप इसको बार बार गुनगुनाइए, बार बार इसको आप रिपीट करके पढ़िए, आपको आसानी से सारे लेंथेनाइड तत्व याद हो जाएंगे। पहले एक बार सभी तत्वों को देख लीजिए, ये रहे वो तत्व और ये रही वो लाइन जिससे आप इन सभी तत्वों को याद कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, लाहौर, लाहौर का मतलब आप सभी जानते हैं, एल ए ला, लाहौर से एल ए ला, लाहौर। फिर लिखा है से सीधा, लाहौर से का मतलब अगला तत्व आएगा सी ई से, लाहौर से सीधा। बात समझ में आ गई, आप चाहें तो इसको साइलेंट कर लीजिए, इससे कोई मतलब ना रखें। तो यहाँ पर देखिए एल ए लाहौर, सी सी ई सीधा। फिर लिखा है प्रसारण, पी आर का मतलब प्रसारण, लाहौर से सीधा प्रसारण। फिर लिखा है नड, एन डी नड। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, नड प्राइम मिनिस्टर। समझाते हैं, एसम का मतलब समझाते हैं। यूरोपियन ई यू यूरोपियन। गधे,
जेडी, जेडी हो गया जी डी, यूरोपियन गधे हैं। फिलिका तब, टीवी तब, डाई डी वाई तब डाई। होकर का क्या होगा, एच ओ होकर, इर अर्थात आई आर इर, टमाटर टी एम टमाटर, एव वाई वी एव लूटते एल यू लूटते हैं। क्लियर हो गई बात। तो कितने तत्व, तो एल ए को तो छोड़ देंगे, आपको मैं बता चुका हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। तो लाहौर से सीधा प्रसारण नड प्राइम मिनिस्टर समझाते हैं, यूरोपियन गधे हैं, तब डाई होकर इर टमाटर यब लूटते हैं। कुल कितने तत्व, तो चौदह तत्व, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब बात आती कि इन पर कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइड में कितने परमाणु क्रमांक से कितने परमाणु क्रमांक तक के तत्व शामिल हैं। तो 58 से लेकर के अभी मैंने बताया 71 परमाणु क्रमांक तक के तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं। एक प्रश्न आपका ये बनता है। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइड्स में कुल कितने तत्व शामिल हैं। तो मैंने बताया अगर आप 58 से लेकर के 71 तक के तत्व गिनेंगे तो कुल 14 तत्व बच्चों शामिल किए गए हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं वो यह पूछ सकते हैं कि इनको लेंथेनाइड्स क्यों बोला जाता है, इन तत्वों को लेंथेनाइड्स क्यों बोला जाता है। तो मैंने अभी बताया कि परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व हैं वो अपने से ठीक पहले वाले तत्व जिसको नाम दिया जाता है लेंथेनम। क्या नाम दिया जाता है, लेंथेनम, और जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक 57 है। तो 58 से लेकर के 71 तक के जितने भी तत्व हैं वो लेंथेनाइड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो लेंथेनम से गुणों में समानता दिखाते हैं। लेंथेनम से क्या दिखाते हैं बच्चों, गुणों में समानता दिखाते हैं। अर्थात 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों के भौतिक गुण रासायनिक गुण सभी लेंथेनम से मिलते जुलते हैं, इसीलिए 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड बोला जाता है। एक और बात आपके लिए बताते हैं, लेंथेनाइड में जितने भी तत्व हैं उन सबको एक नाम और भी दिया जाता है, वो नाम है दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व। तो इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है उसका भी कारण सुन लीजिए, क्योंकि ये जितने भी तत्व हैं वो सब दुर्लभ हैं, इनको प्राप्त करना बहुत अधिक दुर्लभ है क्योंकि ये प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए बच्चों ऐसे तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। तो ऐसे सभी प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते थे मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं कि लेंथेनाइड्स तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, क्या होते हैं लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोग बात करेंगे कि लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है। आप सभी को मैंने बताया था कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो विन्यास है वह NH2N-1D में 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन तक और N-2F में 1 से लेकर के और 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये विन्यास किसका था, यह विन्यास था एफ ब्लॉक का। लेकिन हमको ये भी पता है कि लेंथेनाइड का जो पहला तत्व है लेंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, उसका आवर्त 6 है। कौन सा आवर्त है, उसका आवर्त 6 है।
इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो एन का मान रहने वाला है वो सिक्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सिक्स रहने वाला है। अगर एन का मान सिक्स रहेगा तो आपके लेंथेनाइड्स का विन्यास किस प्रकार से लिखा जाएगा आप देखिए। एन का मान सिक्स है तो ये हो गया सिक्स एस टू। सिक्स में से एक जाएगा यानी छः माइनस एक तो ये हो जाएगा आपका पाँच यानी फाइव डी। ऊपर जीरो से एक इलेक्ट्रॉन तक आएगा। फिर छः माइनस दो यानी चार फोर एफ वन टू फोर्टीन। तो ये विन्यास रहने वाला है आपका लेंथेनाइड्स का। आप देख लीजिएगा एक बार फिर। हम लोगों ने 4F लास्ट में क्यों लिखा? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही कि अंतिम इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में प्रवेश करता है, इसीलिए ये लेंथेनाइड्स यानी F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले 4F 1 टू 14, उसके बाद में बच्चों 5D 0 से 1 और उसके बाद 6s2। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये केवल इसलिए दिखाया गया ताकि मैं बता सकूं, अपनी बात को स्पष्ट कर सकूं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में प्रवेश पा रहा है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आ रही हो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैंने लेंथेनाइड के कई पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। चलिए, मैंने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपके लिए बता दिया है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके आपके सामने बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखा रखा है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सभी के लिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना आसान हो जाए। मैंने सभी तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक और साथ ही साथ उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपके सामने यहाँ पर नोट कर दिया है। आप सभी लोगों को अगर यह लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें और हाँ, इसको शेयर करना अवश्य ना भूलें। आप तुरंत ही इसको शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्तों को भी प्रोवाइड की जाने वाली मेरे द्वारा यह जानकारी मिल सके। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर मिला। अगर आप सभी को यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप मेरा सहयोग करें। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर आपके सामने नए पॉइंट्स के साथ, नए डिस्कस के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ।